आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ॐ ह्रीं नमो आयरियाणम्, ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम्, ॐ ह्रीं नमो लोये सर्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि संतुलन संसार का आधार है। देखिए, आप चल रहे हैं, चलते चलते आप राइट साइड के अंदर डिग गए, आपने संतुलन किया, अपने हाथ को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आगे बढ़ाया और वह संतुलन करने से आप गिरे नहीं। आप फोर व्हीलर चला रहे हो, आपका चक्का जो है वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा चला गया और लेफ्ट साइड में बिल्कुल स्कूटर के पास टच होने वाला था, आपने जो है वो लेफ्ट से राइट में थोड़ा व्हील को घुमा दिया, संतुलन हो गया। और आपको किसी से बात कर रहे थे, किसी ने आपको गाली दे दी, तो गाली दे करके आप वापस गाली देने ही वाले थे और भीतर से प्रज्ञा ने आपका कान पकड़ा कि क्या कर रहा है, तू तो ज्ञान लिया हुआ है, तू गाली के सामने गाली कैसे दे सकता है। आप मौन हो गए, तो मौन होने से आपने गाली को एक्सेप्ट नहीं किया और वो गाली वापस उसको ही चली गई। आपका मॉर्निंग के अंदर नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते के अंदर जो आपको आया उसके अंदर मिर्च बहुत ज़्यादा डली हुई थी, मुंह जलने लग गया और आप अपनी पत्नी को उलाना देने वाले थे, भीतर से आवाज़ आई, कोई बात नहीं, इसको सहन कर ले। आपने संतुलन कर दिया और आप उसको जो है खाने को नाश्ते को कर लिया और काफ़ी देर के बाद में बोले कि मिर्च जो है स्वाद ज़्यादा डालना स्वास्थ्य के हानिकारक है, मिर्च है वो लिमिट के अंदर डाला करो। आपके जो है पिता ने आपको कोई भी सलाह दी और वो सलाह आपको गमी नहीं, आपको अच्छी नहीं लगी, तो पिता की बात को तुरंत नहीं काटना चाहिए। आपने जो है वो काटा नहीं, थोड़ी देर के बाद में पिताजी के पास जाकर के आपने उनको निवेदन किया कि पिताजी, आप जो मुझे कॉमर्स दिलाना चाहते हैं, मेरा इंटरेस्ट तो साइंस मैथमेटिक्स में, आप मेरे इंटरेस्ट को भी तो देखो ना, क्योंकि आखिर जो मुझे कुछ बनना है पढ़ना है वो मैं पढ़ूंगा ना, आपके तो खर्चा बराबर लगेगा। तो पिताजी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि ये सही कह रहा है और कहा कि सॉरी, भविष्य में तुम्हारी सलाह को मैं जरूर ध्यान दूंगा। ये सारा संतुलन का नियम है और जो लोग संतुलन करना चाहते हैं वो लोग सफल होते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, इस दुनिया के अंदर सफलता का राज है,
संतुलन है। देखिए, हम वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो हर वस्तु की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आधार पे वस्तु चलती है। हमारी जो ये पृथ्वी है वो अपनी दूरी पर जो है सूरज के चक्कर काटती है, तभी कहीं पर सूरज का प्रकाश पड़ता है वह दिन होता है, प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ रात होती है। और इस पृथ्वी के चारों तरफ जो है अपनी दूरी पर जो चक्कर काटता है चंद्रमा होता है, इसीलिए हमको रात में चंद्रमा दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है, जबकि चंद्रमा तो दिन और रात दोनों समय में होता है। तो ये जो दूरी है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जब ये पृथ्वी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होती है 2-5 डिग्री से वह इधर या उधर झुक जाती है, तो झुकने पर सुनामी आते हैं, अतिवृष्टि आती है, अनावृष्टि होती है, भूकंप आता है, बीमारियां होती है, कोरोना आता है, महामारी आता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो संतुलन है ये संसार का आधार है, ये कुदरत का आधार है, ये जो है वो ब्रह्मांड का आधार है। और व्यक्तिगत रूप से देखें तो हमारा भी वही आधार है, क्योंकि जे ब्रह्मांड जे पिंडे ते ब्रह्मांड, अगर आप देखो कि ब्रह्मांड तो इतना बड़ा है जिसमें असंख्य अनंत लोग रहते हैं, मैं तो जो है उसके रोल मॉडल को देखना चाहता हूँ, तो रोल मॉडल मनुष्य है, वो उसी की ट्रू कॉपी है, उसको देख लो, वही ब्रह्मांड है। मनुष्य का जितना दिमाग विचार मस्तिष्क और ब्रह्मांड जो 5 तत्व हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हुए हैं, वही 5 भूत मनुष्य के अंदर है। और जितना जितना ब्रह्मांड के अंदर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी है वह भी मनुष्य के अंदर है, और जैसा चाल चलन मनुष्य का है वह भी ब्रह्मांड के अंदर है, और तमस रजस और जो है वो सत्व गुण है ब्रह्मांड में, वही गुण मनुष्य में। तो रोल मॉडल हो गया मनुष्य, उसको देख लो, ब्रह्मांड को देख लिया जाएगा। तो इसलिए जो नियम ब्रह्मांड पे लागू होते हैं वो हमारे पर भी लागू होते हैं, तो संतुलन का नियम हमारे पर भी लागू होता है। संतुलन स्थापित करने के लिए हमें जो जो शक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार होता है, बीमार क्यों होता है, उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति कहना चाहिए, इम्यून सिस्टम कहना चाहिए, जब वो कमज़ोर हो जाता है जब बीमार पड़ता है। इम्यून सिस्टम क्या है कि हमको प्रकृति मान है, जब जन्म दे करके भेजा तो हर एक को ये कह करके भेजा मनुष्य को कि तुम्हारी उम्र 100 साल की होगी, मैं तुम्हारे भीतर एक यूनिबिल्ट सिस्टम इम्यून सिस्टम लगा के भेजती हूँ। वो इम्यून सिस्टम क्या है कि तुम्हारी मैं माँ हूँ, कुदरत कहती है तुम मेरे नियमों का पालन करना, तो प्राकृतिक जीवन जीना, तो 100 साल अवश्य जिएगा। परंतु हम उस माँ की अवहेलना करते हैं, और अवहेलना करके और हम जो है एंटीबायोटिक हैवी लेते हैं, और उस जो प्रतिरोधात्मक शक्ति के जो अंग होते हैं WBC वाइट ब्लड सेल, ये लड़ाकू जो है सोल्जर्स होते हैं, उनके भीतर जो कोरोना जैसा कोई वायरस आ जाता है उस पे, जैसे कि हमारे देश की सीमा के ऊपर जवान जो है वो विरोधी जो बास घुसपैठिए पे कैसे झपटते हैं, वैसे ही झपट के उसको मार देते हैं। WBC की उम्र जो है वो मैक्सिमम 90 डेज ही होती है, RBC भी होती है, वो रेड ब्लड सेल होता है, वो भी हमारी इम्यून सिस्टम का अंग होता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि आप प्रकृति की अवहेलना मत करो, प्राकृतिक नियम बनो। प्राकृतिक नियम क्या है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ गुड हेल्थ, ये संतुलन का नियम है।
मैं आपको जो कुछ भी बात बताऊंगा सारा संतुलन से जाके जुड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर जो है सुबह जल्दी उठता है, प्रभु की भक्ति करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, योगा करता है, तो निश्चित तौर पे मान के चलिए ये टेस्ट डे योग भारत की संस्कृति है, योग भारत में जन्मा है। और हम पतंजलि जैसे महान ऋषियों के योग सूत्र को पढ़ करके कह सकते हैं कि जो व्यक्ति योग का जीवन जीता है वह ये वर्तमान सुखी जीवन जीता है, अच्छा स्वास्थ्य होता है, वह ईमानदार होता है और वह अगले जन्म में भी अच्छी गति को प्राप्त करता है। क्योंकि जिसका वर्तमान अच्छा होता है मान के चलिए उसका भविष्य अच्छा ही होगा। और वर्तमान किसका अच्छा होता है? जो भविष्य काल में अच्छा होता है वही वर्तमान अच्छा होता है। क्योंकि वर्तमान का जीवन तो जो है ये सारा जीवन संतुलन का है, यानी सारा जीवन जो है एक टेप रिकॉर्ड है। सारा जीवन जो है मन वचन काया की बैटरियों से चलता है और एक फिल्म है जो हम पीछे लेकर के आते हैं। ये फिल्म केवल खुलती है और वह संतुलन के आधार पे खुलती है। अगर हम उस फिल्म को अपने हिसाब से चलने दें, उसके साथ जुड़े नहीं कि ये गलत हो गया और बुरा हो गया, गाली दिया, गलौज दिया, आपने जो है वो कुदरत मान है किसी को जो है हमें पनिशमेंट देने के लिए भेजा तो आप उसको दोषी मानो, तो ये सारा असंतुलन की हम बात करते हैं तो फिर से जो हमारे भीतर असंतुलन यानी कॉजेज पड़ जाते हैं। जो कॉजेज है वह असंतुलन है और जो डिस्चार्ज है वह संतुलन है। इस कॉज और डिस्चार्ज के नियम पर ही हमारा जीवन चलता है कि जो करके लाए हैं तो लाव की नेचर है, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा तो आप भुगत लीजिए, उस पर रिएक्शन क्यों करते हो, यानी उससे मुक्त रहो, मन वचन काय से मुक्त। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा अस्तित्व है शुद्ध आत्मा का है, वो मुझे प्राप्त करना है। ज्ञान अज्ञान और विज्ञान को समझिए। अगर आप मन वचन काया को खुद की मानते हो, कर्ता बनते हो, आप उसके संचालक बनते हो, ये अज्ञान है, ये असंतुलन है। उस अज्ञान के कारण जो है आप जन्म जन्मांतर में भटकते रहोगे, लेकिन आप अगर उससे मुक्त हो गए, मैं तो कर्ता नहीं हूँ, दुनिया का कोई व्यक्ति कर्ता नहीं हो सकता, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। निमित्त का अर्थ क्या हुआ कि मैं तो कुदरत का भक्त हूँ, जैसे कुदरत मेरे को रखेगी वैसे रहूँगा, वही वही जो राम रची राधा। अगर हम ये मान के चलते हैं ईश्वर जो करता है वो अच्छा होता है, जो कुछ होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है, जब हम ऐसा संतुलन बना के रखते हैं तो न तो कभी दुखी होते हैं और हमारा भविष्य का जो जीवन है वो भी अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कभी भी डिस्टर्ब मत होने दो। किसी भी मकान अगर वह नींव से खोखला हो जाता है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है डिस्टर्ब हो जाती है और वह मकान गिर जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो है वह कुदरत की रचना, कुदरत के कानून का पालन नहीं करके वह अपने आप को कर्ता मानने लग जाता है, मिथ्या ज्ञान करता है, मिथ्या दर्शन करता है, तो उसके व्यक्ति के भीतर की जो संतुलन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह डिस्टर्ब हो जाती है। वह व्यक्ति जो है गलत लाइन में चला जाता है, गलत सोबत में चला जाता है, व्यसन में चला जाता है और शराब, भांग, गांजा आदि और जितने अवगुण हैं, अय्याशी के अवगुण हैं, जुए के अवगुण हैं, उस लाइन के अंदर पड़ जाता है। व्यक्ति अच्छा है, सोबत गलत हो गई, यानी वह सोबत का गलत होना मतलब उसने असंतुलन कर दिया। पहले बराबर सही सही चल रहा था, सही लोगों के साथ में उसकी संगत थी,
उसकी दिनचर्या अच्छी थी, कोई गलत व्यसन नहीं करता था और बराबर अच्छा कार्य करना। सोबत बिगड़ी क्योंकि मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि काड़ियरे कने बैठो तो काड़ियरा गुण लेओ, गोरिये कने बैठो तो गोरियरा गुण लेओ। गोरिये का मतलब सज्जन व्यक्ति, काड़िया मतलब दुर्जन व्यक्ति। तो निश्चित है उसके गुण अवगुण से आप प्रभावित होते हो, तो आप तो संतुलन बनाओ ना। आप तो अपने से बड़े लोग, अपने से अच्छे लोग, आपके माता पिता है, वरिष्ठ नागरिक है, विद्वान लोग है, आपके गुरुजन है, संत सन्यासी जो रियल संत, मैं भगोड़े की बात नहीं करता, रियल संत जो पांच महाव्रत का पालन करते हैं, दिल से साफ व्यक्ति है, जो धोखाधड़ी नहीं करते हैं। फ्रेंड नीड इज इन नीड इन फ्रेंड नीड इन जो है वो जो नीड में वो नीड होता है, जो नीड में काम आता है, ऐसे मित्रों के साथ मित्रता करो, टेस्टेड मित्रों के साथ में रहो। यानी जब संतुलन का आप नियम पकड़ लोगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप रोड पर चल रहे हो और यू आर कीपिंग टू द लेफ्ट, आप हेलमेट पहने हुए हो और आप जो है अपने बिल्कुल सही दिशा के अंदर हॉर्न देखिए, आपका इंडिकेटर देखिए, सब कुछ पालन कर रहे हो, इसका मतलब संतुलित चल रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और आप असंतुलित चलने लगे, लेफ्ट की जगह राइट में चल रहे हो, रॉन्ग चल रहे हो, और आपको इंडिकेटर लेफ्ट का दबाना, लेफ्ट में जाना है, राइट का इंडिकेटर लगा दिया आपने, तो निश्चित तौर से आपका भिड़ना है ही है। और जब आगे देखा कि आगे जंप आ रहा है, खड्डा आ रहा है, और आपने स्पीड को तेज कर दिया, आपने संतुलन बिगाड़ दिया, तो एक्सीडेंट होना ही है, उसके परिणाम तो आपको ही भुगतना पड़ेंगे। तो ये सारी दुनिया का आधार क्या है, संतुलन है। अगर एक राष्ट्र दूसरे की सीमाओं को हड़पने की भावना नहीं रखता है तो वो उसका मित्र हो गया, और अगर मित्र देश होता है तो कितनी इकोनॉमी बढ़ती है, कितने एमओयू होते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, आर्थिक आदान प्रदान होता है, इंडस्ट्री का आदान प्रदान होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आदान प्रदान होता है। मित्रता के कितने फायदे हैं मैं पूरी लिस्ट बता दूं, और शत्रुता के कितने नुकसान हैं आप देख रहे हो। यूक्रेन के अंदर यूएसएस में क्या हो रहा है, उसके अंदर शत्रुता का भाव है, और दोनों प्रारंभ से ही मित्र बन जाते, कोई ऐसा बीच का रास्ता बता देते, क्योंकि प्रकृति का नियम है, संसार का आधार है, कि हर समस्या जब पैदा होती तो समाधान लेकर के आती है, परंतु उस वक्त हम विवेक जागृत नहीं रखते हैं, हम ईगो में चले जाते हैं, अहंकार में चले जाते हैं, व्यक्तिगत तुष्टि में चले जाते हैं, तो हम जो है उस संतुलन के नियम को नकार जाते हैं, तो नकार जाने पर असंतुलन पैदा होता है, वह असंतुलन जो है वो हमें भी खराब करता है। अगर असंतुलन सोसाइटी में होता है तो क्या होता है कि समाज में बहुत से असामाजिक तत्व पैदा हो जाते हैं, चोरी करने वाले, मिलावट करने वाले, व्यभिचार करने वाले, डाकू लुटोरे, तो वो समाज जंगल राज बन जाता है। और जहाँ पर अपनी बहन बेटी को बहन बेटी समझने वाले, परोपकार करने वाले और अपना सो अपना, पराया सो पराया की भावना रखने वाले, दूसरे के अस्तित्व को नकारने वाले नहीं और दूसरे के साथ बुरा करने वाले, जहाँ लोग नहीं होते, भले लोग होते हैं, तो वो सोसाइटी भली हो जाती है। और भली सोसाइटी में हरेक रहना पसंद करते हैं। आप कॉलोनी को देखिए, जहाँ कॉलोनी में अच्छे लोग होते हैं, उस कॉलोनी की वैल्यू होती है, उस कॉलोनी के वो जो है वो मकान महंगे होते हैं, क्योंकि लोग अच्छे हैं, वो लोग होते हैं, वो लोग सजीव लोग होते हैं, जीवंत लोग होते हैं। पत्थरों से जीवंतता नहीं आती है,
मकान की वैल्यू उसकी बनावट से नहीं होती है, मकान की वैल्यू उसके अंदर सजीव लोग हैं, उसमें जीवित लोग हैं, वो कैसे रहते हैं, प्रेम से रहते हैं कि कलह से रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं या एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो मानवीय मूल्य है वह संतुलन है, और मानवीय विषमता है वह असंतुलन है। यानी जितनी जितनी दुनिया में अच्छाइयाँ हैं, चाहे वो प्रकृति में आए चाहे वो व्यक्ति में आवे, वह सारा संतुलन है। आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि हमारे इस जो है प्रकृति के अंदर तेज अंधड़ आ जाता है, एक ही अंधड़ आ जावे पूरे मकान को गंदा कर देता है बाहर और अंदर का, और आंधी न आए और खुशनुमा वातावरण रहे, तो हम कितने खुश होते हैं। खुशनुमा वातावरण में घर को सप्ताह भर भी झाड़ू न निकालें, झपटा वगैरह न डालें तो भी चल जाता है। तो आप किसी भी एंगल से देखो, व्यक्ति के भीतर को देखो, व्यक्ति के बाहर को देखो और कुदरत को देखो, नदी नाले और ये सब संतुलन से चलते हैं। जो जो देखिए कि हमारा सूर्य होता है समय पे उगता है, समय पे अस्त होता है, और नदी नाले होते हैं ऊंचाई से नीचे की ओर बढ़ते हैं, ऋतुएं समय पर आती है। तो ये सब प्राकृतिक जितने भी नियमावली, ये क्या है, ये प्रकृति का संतुलन है। और जब संतुलन बिगड़ता है तो वही नदी दो तटों को जो है तोड़ करके और सारे गांव को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। जैसे युद्ध के अंदर जब बम गिराए जाते हैं तो मालूम नहीं पड़ता है कि घर नष्ट हो रहा है, कि व्यक्ति नष्ट हो रहे हैं, कि पुल नष्ट हो रहे हैं, सैन्य ठिकाने नष्ट हो रहे हैं, या हमारा वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या नष्ट हो रहा है। क्योंकि वो बॉम्ब नहीं जानता कि मुझे मनुष्य को बचाना, वो तो जिस इंटेंसिटी से भेजा गया है उस इंटेंसिटी से उस इशारे पर जाकर के गिर जाता है। तो लेकिन गिराने वाला बड़ा होता है कि गिराना या नहीं गिराना है, क्यों गिराया जाए। बॉम्ब को तो जो है हम जो है रास्ता बनाने के लिए काम में लेवे, हम एग्रीकल्चर के अंदर काम लेवे, हम जमीन को सीधा करने में काम लेवे, यानी उसको शांतिपूर्ण यूज में काम लेवे। एक चाकू है, उस चाकू से किसी का मर्डर करना है यह असंतुलन है। उस चाकू से सब्जी काटना, रस्सी काटना, और जो है उस चाकू से जो है वो अन्य अन्य उपयोगी कार्य करना है, ये संतुलन है। जितनी अच्छाइयाँ, जितने नियम, जितने कानून, जितने कायदे, जितना कषाय उपशमन है, ये सारा संतुलन है। कोई व्यक्ति क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, बवो नहीं करता, शांत रहता, भीतर तो रहेगा ही, क्योंकि अभी केवली नहीं बना, अभी वीतराग नहीं बना है, लेकिन बाहर एक्सप्रेस नहीं होने देता है तो वह तो भीतर रहेगा ही। लेकिन जो भीतर रह करके एक्सप्रेशन में नहीं आता है वह जो है एक संतुलन का नियम है। तो हम सारा ये कहना चाहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन हो, सामूहिक जीवन हो, विश्व का जीवन हो, देश का जीवन हो, सब में संतुलन बैलेंस आवश्यक है। तो हमें बैलेंसिंग पावर पे काम करना चाहिए। देखिए कि जैसे सरकार चलाती है तो उसके अंदर एक पक्ष होता है, एक प्रतिपक्ष होता है, दोनों होते हैं। जब बैलेंस होता है, केवल 90% पक्ष हो और प्रतिपक्ष 10% हो, तो पक्ष वाले जो है वो तानाशाह बन जाएंगे, ऐसे ऐसे कानून बना देंगे जो कि लोगों की भलाई के नहीं होंगे। और उसकी जगह अगर प्रतिपक्ष जो है वो बड़ा हो जाता है, यानी प्रतिपक्ष उसको काटने वाला, छांटने वाला, दबाने वाला आ जाता है, तो वो जो है उनको सरकार को भी दबना पड़ेगा। इसलिए पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का मजबूत होना ज़रूरी है। घर के अंदर
जहाँ बुजुर्ग होते हैं वो अंगुली निर्देश करते हैं, क्योंकि वो अनुभव के खजाने होते हैं और वो एक संतुलक का कार्य करते हैं। उससे उनकी जो नई जनरेशन है बिगड़ती नहीं है, और जिन घरों में जो है बुजुर्ग लोग नहीं होते हैं या मर जाते हैं या बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, पेरेंट्स के साथ लोग नहीं रहते हैं, तो आप देखिए कि वो मनमानी करने लग जाएंगे, कोई वो अहंकारी बन जाएंगे, वो इगोस्टिक बन जाएंगे, क्योंकि उनकी वैसी आज़ादी की आदत पड़ जाती है। और वो ऐसे जब आज़ादी की आदत पड़ जाती है तो वो साथ रहना पसंद नहीं करते। आज जो डाइवोर्स हो रहे हैं, आज जो जितने जो है ये शादी किए हुए जो है लड़कियां घर बैठी हुई है, ये सारा क्या है? ये सारा सोसाइटी का असंतुलन। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि आप संतुलित जीवन जिए, गएंगे तो प्रकृति आपके साथ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और हम सभी संतुलित जीवन जी करके इस धरा को संतुलित बनावें, ताकि पूरा विश्व सुखी जीवन यापन कर सके। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है, एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है, उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जनरल पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।